अपने गिरेबा में झांक करके उन तमाम चीजों का हिसाब दें, हजारों करोड़ों लोगों का रोजगार छीनकर, उनका स्वप्न छीनकर रिलायंस जैसी कंपनियों को कोड़ियों के भाव बेचने वाले हुड्डा साहब, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी सोनिया गांधी के खजाने भरने वाले हुड्डा साहब किससे हिसाब मांगेंगे? तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के खिलाफ हमने एक चार्जशीट बनाई थी, मैं अगर वो चाहेंगे तो उनको उनके घर पर प्रेजेंट करवा दूंगा। पहले वो उन तमाम चीज़ों का हिसाब दें, हरियाणा की जनता तो मांग ही रही है हिसाब, मगर हुड्डा साहब पहले अपने गिरेबा में झांक करके उन तमाम चीज़ों का हिसाब दें, हजारों करोड़ों लोगों का रोजगार छीनकर, उनका स्वप्न छीनकर रिलायंस जैसी कंपनियों को कोड़ियों के भाव बेचने वाले हुड्डा साहब, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी सोनिया गांधी के खजाने भरने वाले हुड्डा साहब किससे हिसाब मांगेंगे, और दो दो फुट के आलू उगाने वाले दीपेंद्र हुड्डा किससे हिसाब मांगेंगे? ये बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है। आज कभी हिसाब मांगते हैं, कभी विनेश को राज्यसभा भेजने का प्रोपेगेंडे की बात करते हैं। ये लोग बौखला चुके हैं और इनकी इन फाइटिंग, कांग्रेस की इन फाइटिंग, अंदरूनी जो लड़ाई है वो इनको ले बैठे। सर, दुष्यंत चौटाला का भी एक ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें विनेश फोगाट को राज्यसभा के लिए समर्थन देने की, बहुत अच्छी बात है। और हमने अगर और मगर में बात नहीं की, हुड्डा ने कहा कि अगर मेरे पास विधायक की संख्या होती, हमने कहा अगर और मगर की बात नहीं, राज्यसभा भेजना चाहिए। अगर सचिन तेंदुलकर जा सकते हैं, पीटी उषा जा सकती हैं, तो ये क्यों नहीं, विनेश फोगाट क्यों नहीं? डबौली से आपके पिता और आपकी माता विधायक रह चुके हैं, अब आप चुनावी मैदान में हैं, आपको क्या उम्मीद लग रही है? डबौली हमारा गृह क्षेत्र है और डबौली का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में है, मैं नहीं हूं, मेरे से आगे भी प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी फौज है जो इस लड़ाई को लड़ रही है, और हम जीतेंगे। डबौली पहली सीट होगी जो दुष्यंत चौटाला के कोटे में जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।